बन मुहम्मद वाले मुहम्मद सलवात इस पाक महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से करते हैं। तो तिलावत कलाम मजीद करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा फिर बुलंद तर सलवात मुहम्मद मुहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم بر محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بر اللهم صل على محمد وعلى محمد कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है। कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बरादरान जैसा कि आपको मालूम है कि आज यकम मुहर्रम अल हराम का दिन था और दो की रात आ रही है। आज दो की रात में भी शुरू मतलब होने वाली है। आज दिन यकम दो का दिन था सॉरी मैं स्टे कर गया हूँ। बरल दो के वो दिन है कि जिस दिन सैयद शहदा अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में अपने असहाब और अपने अहले बैत के साथ तशरीफ लाए और जब आप इस वादी में दाखिल हुए तो पूछा इसका नाम क्या है। मुख्तलिफ लोगों ने इसका नाम मुख्तलिफ बताया। किसी ने नैनवा बताया, किसी ने इस यही बताया करबला का नाम। तो आपने फरमाया कि इसी जगह पड़ाव डाल देते हैं। बाकी तफसीलात तो बाकी मुकर्ररीन आपको बताएंगे, किबला बताएंगे। लेकिन हमारे लिए जो इसमें पहलू है कि करबला का मुहर्रम अल हराम का महीना हर साल आता है और ये हमारे लिए एक तजदीद अहद वफा का दिन है कि हमने उस सदा पे कि जो रोज़े अशूर सैयद शादा अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम ने बुलंद की थी हल मिन नासिर यनसुरना, वो जो 1400 साल से वो सदा गूंज रही है, हमने उस पे लब्बैक कहना है। हमारे बुजुर्गों ने उस पे लब्बैक कहा। हम तक उस मिशन को
उस पैगाम को पहुंचाया। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगली नस्लों तक इस अमानत को पहुंचाएं। अब मैं मरसिया खानी के लिए सॉरी सलाम पेश करने के लिए बरादर रजा अली नकवी साहब को दावा देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और इमाम के हुजूर अपना सलाम पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। बज़्मे कुल में दूसरा हैदर नजर आता नहीं और कोई मज़हरे दावर नजर आता नहीं। हे अबू तालिब अली अब्बा ऐसे बेमिसाल कोई उन जैसा वफा पेकर नजर आता नहीं और कोई मजहरे यूं तो पंजों पर खड़े हैं कितने मर्दाने जरी यूं तो पंजों पर खड़े हैं कितने मर्दाने जरी कोई उनमें फाता है खैबर नजर आता नहीं हरे जो मोहम्मद ने जला या ऐसा उन्माने गदी दिल के अंदों को वही मिंबर नजर आता नहीं और कोई मजहरे पड़ गई है जिनके दिल पर बुग़्ज़ हैदर की नकाब उनको खैबर का कभी बिस्तर नजर आता नहीं और कोई मजहरे आसमां हम क्यों करें तेरी बुलंदी को सलाम आसमां हम क्यों करें तेरी बुलंदी को सलाम करबला से तू हमें बलतर नजर आता नहीं और कोई मजहरे उनकी कुछ ऐसी शबे आशूर आंखें खुल गई कोई भी जुज सिफ्त पे गंबर नजर आता नहीं और कोई
मजहरे मर न जाए माँ कहीं मालिक ये मंजर देख कर सामने झूला है और असगर नजर आता नहीं और कोई मजहरे किस तरह सोए सकी नासीना सरवर के बाद जिस पे नींद आती थी वो बिस्तर नजर आता नहीं और कोई मजहरे चल बसी बीनाई कौसर अली के लाल की ढूंढते हैं और अली अकबर नजर आता नहीं और कोई मजहर और कोई मजहरे दावर नजर आता नहीं बरदिगर सलवात सल्ले अला मुहम्मद अले मुहम्मद इस्लाम मिट रहा था बचाया हुसैन ने अर्ज किया है इस्लाम मिट रहा था बचाया हुसैन ने बुझते हुए चिराग को जलाया हुसैन ने बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात सलाम पेश कर रहे थे ब्रदर रजा अली नकवी उनकी सेहत व सलामती और तौफीकात में इजाफे के लिए बुलंदतर सलवात जैसा कि बरादरान आपको मालूम है कि आज का तबर्रुक जो है वो बरादर असद जाफरी और बरादर जमाल जाफरी की तरफ से दिया जा रहा है उनके मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा की दरख्वास्त है जैसा कि आपको मालूम है कि तमाम यूथ के लिए इंग्लिश स्पीच का एहतमाम किया गया है जो कि हमारे बड़े टेंट वाइट टेंट में 8 बजे शुरू होगी ब्रदर जैन इंग्लिश में स्पीच देंगे तमाम यूथ जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो 8 बजे वहाँ तशरीफ ले जाएं और वो अपना उनसे इस्तफादा करें तो अब मैं मरसिया खानी के लिए दावा दे रहा हूँ ब्रदर मेहदी काज़मी और उनके रुफका को बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात नारे हैदरी बराए खुशनूदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावात सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बराए खुशनूदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावात सल्ले अला मुहम्मद जहाँ में कोई
समझा कभी मकान ने अली जहां में को समझा कभी मकान ने अली ज़बां पाता है मुश्किल में सबके नाम ने लहज में पूछा मलाइक ने नाम कह दूंगा अली नाम मनसो मनम वोला खींचते हैं तसव्वुर में तस्वीर जहां खींचते हैं तसव्वुर में तस्वीर जहां खींचते हैं ज़मीं मोल ली है मज़ारों की खातिर ज़मीं मोल ली है मज़ारों की खातिर ज़मीं पाश है दीन शाह के चिते हैं अब से अदूदर पे कतले असगर ये इजा कहीं बेजबान खींचते हैं शबीहे मामे ज़मान खींचते हैं कहाँ बेड़िया और कहाँ पाए आबे कहाँ बेड़िया और कहाँ पाए आबे ये लंगर कहीं ना तमा खींचते हैं ये लंगर कहीं ना तमा खींचते हैं पुकारी सकीना दुहाई है बाबा पुकारी सकीना दुहाई है बाबा सितमगर मेरी बालिया खींचित काजमगर मेरी बालिया खींचते हैं
कहा रोके अकबर ने दर्द थम जा, कहा रोके अकबर ने दर्द थम जा, कलेजे से बाबा सिना चिते हैं, कलेजे से बाबा सिना खेचते हैं, शबी है इमाम जमा। फातिहा वरुए शुहदा। बाबा जी बुलंद सलवात पढ़ने मैं हुसैनी बापा हुए जब नैर पा खया में हुसैनी बापा हुए जर्रे तराई के गोहरे बेबहा रौनक फरोज खेमों में आले बा कुर्सी पे जलवा गर शहे अर्जो समा हो कुर्सी पा जलवा गर शहे अर्जो समा हरफे तवाफ जमींदार हो गए आकर निसार सैयद अबरार हो बिठला के पहलुओं में उन्हें यूं किया ए करबलाइयों में तुम्हारा हो मैं जालिम मुझे सताते हैं जाता हूँ मैं जा बेचो जो ये जमीन तो चंदे रहो या अब खाक तुम अजे करो इस गरीब के सैयद की बेवतन के मुसीबत गरीब सैयद की बेवतन की मुसीबत नसीब सौदा रजा के साथ है जोरो जफा जब रंदुरुस्त शरा में बेओ शरा पर अब सिवा यहाँ के ठिकाना मेरा नहीं बेचो तो खैर वरना मुझे कुछ गिला बेचो तो खैर वरना मुझे कुछ गिला रहने से यहाँ हमारे सब आराम पाएंगे खाके शिफा तुम्हारी जमीन को बनाए अफजल जमीन का बस है मेरी कब मैं जानता हूँ इसका शरफ ये मेरा मैं जानता हूँ इसका शरफ या मेरा खुद ने तो दो मजार हुसैन गरे फिर देखना ये खाक है या नूर का ए मेरे यूसुफ ना होगा पार यहाँ बाजार आए जवार आएंगे मेरा दरबार हो तो देखो मेरे मुहिबों को तुम चैन दी मेहमान
तीन दिन मेरे जायर को कीज, गर उनसे कुछ कसूर हो बदला ना ले, प्यासों को मेरे रोयो जब पानी पी, पानी अभी तो मैं ताहे जहरा के जाए, भी से तरसेंगे सादात पा, दीनार दे के 60,000 ये का मैंने तुम्हें ये बख्शीश दमी तुम करो, ओ हे बा शबीर के मामले में सबने रो, लिखने लगे किबाला जमींदार का, लिखने लगे किबाला जमींदार का, उल पड़ गया हुसैन वतन को न जाएंगे, लो मोल ली जमी यही बस्ती बसा आएंगे, मरकूम हो रहा था किबाला के नागा, खेमे से एक जनी अरबिया हुई आए, सरता कदम नकाब में सारा बदन, पर इसका भी हया से तड़पते थे रखा, बेताब हो के फतेह अकबर में आई थी, रावी ने ये लिखा है कि जहरा की जा, आहिस्ता अपने भाई के कुछ कान में और जल्दी यूं फिरी के न साया नजर, कुर्सी से यहां तड़प के गिरे शाहे का, अब्बास ने उठा के कहा है क्या क्या कह गई नवासी जनाबे रसूल, मौला को कसम तुम्हें रूए बतूल, बोले हुसैन कहती थी मुझसे वो खोश, भैया के बाले में मेरे अकबर का हो, ओ विन यानी के इसकी मिल्क में हो ये जमीन, अब्बास जाओ कह दो के नाचार है, 18 साल के ये जमाने से जाएंगे, एक कब्र की जगह अली अकबर भी पाए, एक कब्र की जगह अली अकबर भी पाए, जब नैर पा खयाम محمد و آل محمد صلوات صلی علی کربلا کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین، کربلا کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین، اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات، بلند تر صلوات صلی علی مرثیہ پیش کر رہے تھے برادر مہدی رضا اور ان کے ساتھی، ان کی توفیقات میں اضافے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ کچھ اعلانات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی اعلان کیا ہے،
जो यूथ हैं हमारे उनके लिए अलहदा इंग्लिश में स्पीच का एहतमाम किया गया, एक अलहदा प्रोग्राम रखा गया है वाइट टेंट में, तो वहाँ प्रोग्राम आलमोस्ट शुरू हो चुका है। तो तमाम जो बच्चे और बच्चियाँ हैं उनसे गुजारिश है कि वो वहाँ तशरीफ ले जाएं, ब्रदर जैन वहाँ पे अब जो है वो उनसे खिताब फरमाएंगे। उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल इमाम हुसैन पीस रैली का एहतमाम किया जाता है, जो कि शाह मिलेनियम पार्क से शुरू होकर सिटी हॉल पे इख्तिताम पजीर होता है। इस साल भी सैटरडे अगस्त 14 को 14 अगस्त को पीस रैली का एहतमाम किया गया है। तो आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि भरपूर उसमें शिरकत करें। जो जुलूस है वो शुरू नमाज मगरिब सॉरी नमाज ज़ोहरैन के बाद स्टार्ट होगा। इसमें हमें कुछ आउटरीच के लिए कुछ यंगस्टर की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है कि जो वाकयान डेडिकेटेड हूँ और कमिटेड हूँ, ताकि हम इस अजीम मिशन को तमाम लोगों तक पहुँचा सकें। ये जितनी बड़ी नेमत है हमें इसका बहुत कम एहसास है, बहुत कम इदराक है कि ये हमें जो है वो बगैर कहे मिल गई है, जो मोहब्बत अहले बैत है। अब हमारा मकसद ये है कि हम इस इतनी अजीम जिम्मेदारी को समझते हुए जहाँ तक हो सके लोगों तक इस मिशन को, इस मजलूमियत को, इस पैगाम को पहुँचाएँ। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने रफ़का के साथ शहीद होकर हमेशा के लिए यजीदियत को नेस्तो नबूद कर दिया। तो अब हमारा ये मिशन है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसको तमाम दुनिया तक पहुँचाएँ। खुदा ने हमें तौफीक दी कि हम इस मुल्क में आएँ और इस शहर में आएँ, जहाँ भी हम हों, जहाँ भी एक हुसैनी है उसका ये फ़र्ज़ है कि इस मिशन को आगे पहुँचाए। आपको मालूम है कि हुसैनी आपकी डोनेशन पर चलता है, तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारा टारगेट 50,000 का है इस मुहर्रमुल हराम में। तो जितना हो सके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि हम इस अपने टारगेट को अचीव कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, 2 लॉट्स खरीदी गई थी पिछले टेनोर में और अब उसके ऊपर बिल्डिंग की एक्सटेंशन का इंशाल्लाह प्रोग्राम है, तो वो आपके तआवुन से ही होगा। तो जितना भी आप तआवुन करेंगे इंशाअल्लाह बक्के मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम परवरदिगार आपको उसका अजर अता फरमाएगा। उसके बाद सिस्टर से गुजारिश है जो बेसमेंट है उसको प्रोग्राम के बाद जहाँ तक हो सके अगर वो क्लीन करती जाए, अगर कुछ रुक सके किचन है, वॉशरूम है या बेसमेंट है, ताकि उसको हम पूरे जो बिल्डिंग है जो फैसिलिटी है उसको हम जितना भी क्लीन रख सकें, इसमें हम सब का फ़ायदा है। तो बरादरान और खारान से गुजारिश है कि इस सिलसिले में हमसे तआवुन करें। हम पहले भी आपके मशकूर हैं कि माशाल्लाह आप हर मौके पे भरपूर साथ देते हैं, भरपूर तआवुन करते हैं। तो इस अशरा में भी हमारी आपसे गुजारिश है कि उसी तरह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, चाहे खारान हो या बरादरान हो, इसको मलूज़ खातिर रखें और इस फैसिलिटी को, हुसैनिया को साफ सुथरा रखें। उसके बाद मास्क के हवाले से आपको मालूम हो चुका है कि मास्क ज़रूरी है। तो जो भी लोग इंडोर प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं वो ज़रूर मास्क लगाएं। इसी तरह बच्चों को भी ख्याल रखें कि उनको भी आप मास्क लगा के रखें, तो कि अमाम ने अपनी हिफाजत खुद करनी है। तो इस सिलसिले में भी आपका तआवुन बहुत ज़रूरी है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात तो अब मैं किबला को दावत देने से पहले एक दफ़ा फिर जिस फैमिली ने आज के तबरों का एहतमाम किया है, ब्रदर असद जाफरी और ब्रदर जमाल जाफरी, उनके मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए एक दफ़ा सूरत फातिहा की तिलावत फरमा दीजिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ رحم الله من قرأ الفاتحة۔ بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم أبي القاسم مصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليهم السلام: ألا إن ألا إن الدعي ابن الدي قد ركض بين سنتين بين الصلة والظلة هيهات من الظلة۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اللهم صل على محمد۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ شعار، یہ سلوگن کہ آپ نے کہا کہ اس نابکار کی نابکار اولاد نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک طرف میرے ایک طرف تلوار کی دھار ہے اور دوسری طرف ذلت، وحیحات من الذلہ، مگر ہرگز اور ہرگز ذلت ہم سے قبول نہیں ہے۔ اور یہ وہ درس ہے کربلا کی تاریخ میں تمام بشریت کے لیے کہ اگر انسان صرف ایک صرف اس ایک درس کو کربلا سے لے لے تو اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی سمر جائے گی۔ عرض ہوا کل کی مجلس میں کہ عزت اور ذلت کے معنی کیا ہیں، کیا وہ معنی ہے جو عام طور سے ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہ نہیں اس سے ہٹ کے بھی کوئی معنی ہے کہ جس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک مثال دے دوں، اور ایک واقعہ بھی سچا واقعہ ہے۔ ایک عالم دین کسی جگہ پہ، جیسے ریزیڈنٹ عالم ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے تھے، تو نماز سے پہلے واش روم میں، جیسے آپ کے حسینیہ سے اٹیچ یہاں پہ ہے، واش روم میں گئے مولانا صاحب، اور بندے خدا بھی مومنین بھی تھے، تو وہ نکلے واش روم سے اور سیدھے مسجد میں آ گئے۔ نکلے واش روم سے لیکن انہوں نے وضو نہیں کیا، تو ان کو اسٹرائک ہوا، کیا چکر ہے؟ انہوں نے فالو کرنا شروع کیا، ان کو دیکھی کرتے کیا ہیں، مولانا صاحب واش روم گئے تھے۔ یہ عزت کا ایک معنی بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو واش روم سے یہ نکلے لیکن یہ کہ وضو نہیں کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو بھول گئے ہوں۔ بہر ان کو فالو کرنا شروع کیا، اور آخر میں وقت یہ آیا کہ مغرب کا وقت ہوا، گئے وہ مصلے پہ، انہوں نے اقامت کہی، اذان اقامت، اور نماز شروع ہو گئی۔ اب ان کو بڑی حیرت ہوئی، تو جب بڑی حیرت ہوئی تو صاحب انہوں نے کیا کیا، ایک بہت ہی جیسے ہوتا ہے نہیں ہم لوگ میں، کہ ایک جو دوسرا ہمارا سب سے رازدار ہوتا ہے معتمد آدمی، اس سے یہ بات بتائی کہ بھئی آج ایسا واقعہ ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھا دی اور وضو بھی نہیں کیا۔
तो उनको भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कैसा, इसका मतलब कि मौलाना साहब का कुछ ज़हनी तवाज़ुन नऊज़ बिल्लाह बिगड़ गया, क्या मुश्किल। वो बात दूसरे से तीसरे में गई, खुलासा ये कि ये बात उनके घर तक पहुंच गई और ये बात ने इतना बड़ा इतनी बड़ी मुश्किल ईजाद की कि उनकी बीबी बच्चे उनसे नाला हो गए, उनकी अहलिया छोड़ के चली गई अपने घर, बच्चे। खुलासा ये कि धीरे धीरे वो पूरे महल्ले में ये बात फैल गई और अब मौलाना के लिए उस जगह पर रहना मुनासिब नहीं था और मौलाना कहाँ चले गए कुछ नहीं मालूम। अब ये बहुत परेशान, बहरहाल जो बंदे खुदा हैं, ये वक्त गुजरता गया और एक बार ये डॉक्टर के पास गए, 20 साल गुजर गए। इन्होंने बहुत कोशिश किया कि उनसे पता करें कहाँ है क्या है, तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने इनको इंजेक्शन दिया, कोई प्रॉब्लम होगी। अब जब इंजेक्शन दिया तो थोड़ा सा ब्लड निकल आता है ना इंजेक्शन देने के बाद, तो ये इंजेक्शन लगवा के और सोचा फिर मस्जिद चलें नमाज पढ़ें, तो अब इनको याद आया कि इंजेक्शन लगवाया था, तो वॉशरूम गए कि उसको क्लीन कर दें। और वॉशरूम से क्लीन जैसे किया और निकले, जहन में मौलाना का ख्याल आया कि हम तो वजू से हैं और हमने आपको अपने आप को क्लीन किया, अभी वजू की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यही कुछ सिचुएशन मौलाना के साथ रही हो। अब ये भागे और इन्होंने महल्ले में इधर उधर मौलाना के बारे में जस्तजू की और ढूंढा, एक बहुत उनके करीबी जिनसे वो दुकान पे मिलने जाया करते थे, तो उन्होंने आखिर में यही कहा कि भाई हाँ, वो आखिर में मौलाना साहब आए थे और बता रहे थे कि अब हमारी आबरू और इज्जत पूरी खाक में मिट गई है, अब हम इस शहर में रहने के काबिल नहीं हैं और माजरा ये हुआ, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। उन्होंने बताया नहीं और हम जा रहे हैं नजफ में और मौला के रोज़े में मुजावरी करेंगे और अब हम यहाँ पे रहेंगे नहीं। तो उन्होंने उनके ये इल्लत एग्जैक्टली यही बताई कि उस दिन हुआ यूँ था कि मुझे इंजेक्शन दिया था डॉक्टर ने और मैं उसको क्लीन करने के लिए वॉशरूम गया था और निकल के आया, नमाज पढ़ा दी और लोग समझे कि मैं ज़हनी तौर पर बीमार हूँ, मैंने वो बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ा दी। तो कभी कभी एक छोटा वाक़या, ये एक ये माना हमारे जहन में, उनकी इज्जत पामाल हो गई। इस छोटे से वाकये ने पूरी जिंदगियां, दो तीन जिंदगियां तबाह कर दी और उनकी जो सोसाइटी में इज्जत थी। तो अजीजों, एक माना हमारे जहन में इज्जत का ये है, डिग्निटी का मतलब है, ये इज्जत है, ये बहुत कॉमन मीनिंग है। लेकिन ये जो इमाम अली सलाम का कौल है कि इन्ना, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, إِنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّيِّ قَدْ رَكَضَ بَيْنَ ثَنَتَيْنِ بَيْنَ الصِّلَّةِ وَالظِّلَّةِ وَهَيْهَاتْ مِنَ الظِّلَّةِ। तो ये जिल्लत और इज्जत क्या है? इज्जत जो अल्लाह की सिफत है, इसको अल्लाह ने अपने लिए अख्तियार किया है, इसका मतलब है यानी मुहकम, इस्तकामत, स्टीडी, फर्म, जिसके अंदर कोई दूसरी ज़ात नफूज न कर सके। बस अगर ये इंसान ये सिफत, अल्लाह की ये सिफत अपने अंदर ले आए, यानी हर ऐब और हर जो है वो बुराई से अपने आप को महफूज कर ले, यानी इतना मजबूत हो जाए कि जैसे कल मिसाल दी थी कि जब दीवार मजबूत होगी तो उसके ऊपर जब बॉल मारी जाएगी तो वो उतनी ही ताकत से वापस आएगी, लेकिन अगर एक सॉफ्ट चीज़ में बॉल को मारेंगे तो वो उसी के अंदर थस जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो एब्जॉर्व कर ले। बस अगर इंसान के अंदर इज्जत नहीं है तो लाजिमा है कि वो जिल्लत आएगी, और जिल्लत का मतलब नरमी है। तो नरमी, आप कहेंगे नरमी तो अच्छी चीज़ है, इंसान को नर्म होना चाहिए। कुरान कहता है कि ऐ मेरे रसूल, अगर आप नर्म ना होते तो ये कुफार और मुशरकीन आपके पास ना आते। एक नरमी है, नरमी जिस तरीके से इज्जत के भी दो माना हो सकते हैं, इस तरीके से नरमी यानी जिल्लत के भी दो माना हो सकते हैं। एक नरमी है कि इंसान गलत चीज़ों की तरफ अपना नर्म रवैया अख्तियार करे, यानी बातिल ताकतों की तरफ नर्म रवैया अगर अख्तियार किया जाए, वो नरमी गलत है। अगर हक के मुकाबले में नरमी अख्तियार की जाए, वो नरमी गलत है। अगर कोई इंसान आए आपकी मुकद्दसात पे हमला करे और हम नर्म रहें, हम सॉफ्ट रहें, तो वो नरमी गलत है। अगर कोई आए हमारे बस फर्ज करें कि अइम्मे ताहिरीन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे और हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो, तो ये नरमी गलत है।
मैं एक बात यहाँ बीच में कर दूँ, कभी कभी सवाल भी करते हैं मोमिनीन कि ये बहुत कॉमन सवाल है, मुशरकीन और कुफार के हाथ का खाना नजिस क्यों है? भाई वो भी तो इंसान है, उनके अंदर भी ब्लड है, हमारे जैसे आपके इंसान है, क्यों नजिस है? एक एक तो ये कि उन्होंने अल्लाह की वहदानियत और तौहीद को नहीं माना, ठीक। तो जब तौहीद को नहीं माना, हाँ ये एक दिक्कत तलब बात है, आपकी तवज्जो चाहता हूं कि अगर जब तौहीद को नहीं माना तो एक इंसान जिसने तौहीद को एक्सेप्ट नहीं किया और उसी के मुकाबले एक इंसान है कि जिसने तौहीद को एक्सेप्ट किया, वो मुआहिद है, वो मुसलमान है, वो और ये इंसान अगर इनमें कोई फर्क ना हो तो एज इफ के आई डोंट केयर। बस इसीलिए इस्लाम ने एक 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 तरह का ये बॉयकॉट है कि ये जो कुफ्र यानी कुफार के हाथ का खाना यानी वो नजिस हैं, वो आयतुल्लाह खुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये एक तरह का बॉयकॉट है कि देयर मस्ट बी अ डिफरेंशिएशन, दैट कि एक आदमी जो है मुआहिद है और एक आदमी गैर मुआहिद है। अगर हम फर्ज करें मेरा दोस्त, दो दोस्त हैं, एक दोस्त मसलन काफिर है, एक दोस्त मुसलमान है, हम दोनों के साथ सेम वे में इंटरेक्शन रख रहे हैं, स्लिप ओवर करते हैं, घर जाते हैं, खाते पीते हैं, तो इसका मतलब हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? यानी मेरे नजदीक एक मुआहिद इंसान की और एक गैर मुआहिद इंसान में कोई फर्क नहीं है, तो फिर आप कैसे अपने आप को इस्लाम का अलमबरदार कह सकते हैं? बस यही वजह है कि इस्लाम ने एक बैरियर रखा है, एक एक, एक लिमिट रखी है कि देखो यहां तक के, ऐसा नहीं है कि आप कुफार से दोस्ती नहीं रख सकते, आप मिल नहीं सकते, नहीं, लेकिन एक बैरियर होना चाहिए कि किस लिमिट तक के आप उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप उनके साथ रफ्तो आमद कर सकते हैं, आप उनके साथ जो है मिलजुल सकते हैं, उसका एक बैरियर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई फर्क ही ना रह जाए, जब कोई फर्क नहीं रह जाएगा तो फिर मैसेज क्या जाएगा कि हमारे नजदीक एक इंसान मुआहिद है और एक इंसान गैर मुआहिद है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। तो अजीजों, जिल्लत का मतलब ये कि अगर इंसान नर्म है, जैसा कि कल बयान किया कि जब अल्लाह ने जनाबे मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि जाओ फिरौन के पास, इधब इला फिरौन इन्नहु तगा, लेकिन उसके साथ नर्म लहजे में बात करना, किस लिए? तौहीद की जब बात आए, यानी उसको जब इस्लाम की तरफ दावत देना है तो नर्म बात करना, मगर जब तुम्हारी जातियात पे बात आए, यानी फिरौन के सामने, उसकी सल्तनत के सामने उससे मरवूब ना हो जाना कि अपने आप को झुका दो और आप तो जो है वो खलीफा वक्त हैं या आप बादशाह वक्त हैं, तो आपकी खिदमत में आए हैं तो शाने झुकी हुई, इसको जिल्लत कहते हैं। ये जिल्लत मजमूम है, इस जिल्लत की मजम्मत की गई है, इस जिल्लत की, या ये कि हजारों मिसालें आप दे सकते हैं कि इंसान अगर कोई ऐसा काम करे कि उसकी रिपुटेशन, उसकी जो हैसियत समाज में अगर गिर रही है, वो जिल्लत है, इस्लाम ने उससे मना किया, वरना नरमी तो अच्छी चीज है। तो अजीजों, आप देखें, यही वजह है कि तारीख में अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम की जात वाला सिफात कि बनी उमैया ने, माविया ने से लेकर के और उमर इब्ने अब्दुल अजीज तक के, तकरीबन 90 इयर्स तक के जितने उलमा, जितने खुतबा, जितनी नमाज जुमे के खुतबे हैं, सबको खरीद लिया गया और ये लाजिम और वाजिब करार दिया गया कि हर महफिल में, हर मजलिस में, यानी उनकी मजलिस में, हर निशस्त में, हर खुतबे में इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जाए। और अजीजों, आप तस्वूर करें कि ऐसी गुस्ताखी कि जो मिंबर से बयान नहीं की जा सकती है, मगर हुआ क्या कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जात इतनी बाइज्जत जात कि वो कादर मुतलक, वो परवरदिगार कि जो अजीज है, उसने अपने इस अजीज बंदे को, इस अजीम बंदे को इतनी इज्जतों से नवाजा कि इतनी मोहकम जात कि बनी उमैया की 90 साल की हुकूमतें एक तरफ, उनके सब्बुलान एक तरफ, मगर आज आप देखें मौलाए कायनात की जात उसी तरीके से दरकशंदा है, उसी तरीके से रोशन है, उसी तरीके से फयूज दे रही है, मगर बनी उमैया का कोई नाम लेने वाला नहीं। और अगर ये कुछ आइसिस जैसे अफराद या इनकी जो है आइडियोलॉजी वाले अफराद अगर आपको कहीं बनी उमैया की तारीफ करते दिख जाएं, तो इनसे आप बहुत ज्यादा मुतासिर होने की जरूरत नहीं है, हमारे नौजवानों को नहीं, ये जानते हैं, इनके अंदर जुरात नहीं है, ये बनी उमैया की तारीफ और खास तर
तौर से बागी शाम की तारीफ अपनी ही महफिलों में कर सकते हैं, वरना इनके पास जुर्रत नहीं है कि किसी आलिम और स्कॉलर के सामने ये आएं और तारीफ करें। जिस तरीके से रवायत में मिलता है, किसी पूछने वाले ने कहा कि क्या जो है वो जब आप किताबें देखें इनकी के जो है अमीर शाम की शान में बहुत से ये रिवायत हैं, फला रिवायत हैं और खालुल मोमिनीन है और फला है, तो किसी इन अहले सुन्नत के बड़े आलिम ने दावा किया है कि एक रिवायत अमीर शाम की शान में जो कही गई है वो सही नहीं है। हाँ, सिर्फ एक रिवायत सही है, वो कौन सी, वो आप जानते हैं कि इस इंसान का बतन शिकम कभी सैर नहीं होगा, कभी पेट नहीं भरेगा, ये रिवायत सही है, इसके अलावा कोई रिवायत सही नहीं है। मगर अमीर अल मोमिनीन अली सलाम की शान आप देखें कि क्या शान है। अजीजों, ये मजलिस, ये आज़ादारी, ये इसलिए ज़रूरी है कि हम पहचाने, हम इज्जत का दर्स लें, हम जिल्लत को अपने आप से दूर करें। और इसलिए कि आप देखें कि जिस तरीके से गदीर, अभी गदीर गुजरी है, गदीर को तारीख में भुला दिया गया। क्यों भुला दिया गया, कैसे भुला दिया गया? दुश्मन ताकतें, पूरी सकीफा इकट्ठा हो गई और गदीर को पूरी कोशिश की गई कि भुला दिया जाए। और जाहिर है आज भी अगर आप जमहूर पे नजर डालेंगे, अगर आप मेजॉरिटी को देखेंगे, तो जाहिर है कि मेजॉरिटी जो है वो सकीफा को मानने वाली है और अकलियत में गदीर को मानने वाले हैं। ये हुआ क्यों, ये ऐसा हुआ क्यों? कभी आप सवाल कीजिए कि वो कौन सी चीज, एक इंसान जो है वो आता है और ये सवाल करता है। ये जो वो है किताब शबाए पेशावर और एक और किताब है या, तो उसमें डिबेट जो की गई है लेबनान के बहुत मशहूर आलिम, और उन्होंने जो है वो मिस्र के एक बहुत मशहूर आलिम, उनका नाम जो है वो असद था, और उनसे डिबेट हुई है, तो मैं किताब का नाम जहन से निकल गया, तो उसमें अलमुराजियात, माफ़ कीजिएगा, तो अलमुराजियात जो मजमुआ है, कभी कभी सामने की चीज़ वो याद नहीं आती, अलमुराजियात एक मजमुआ है, कलेक्शन है लेटर्स का, दोनों में दोस्ती हो गई थी और इन्होंने कहा कि हम दिफा करते हैं, तुम अहले तशय्यो का दिफा करो मिस्र से और हम अहले तशय्यो का, और तसन्नु तुम अहले तसन्नु का दिफा करो, और देखते हैं कि कहाँ तक नतीजा पहुँचता है। तो बात ये हुई कि आखिरकार उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो आपकी दलीलें हैं गदीर से रिलेटेड वो सब कुछ मुहकम है, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि 1,00,000 का मजमा या अहले सुन्नत की रवायत के मुताबिक 60,000 का मजमा गदीर के मैदान में, और ये सब के सब इस अजीम वाक़े को भूल गए। ऐसा क्या हुआ कि भूल गए? और ये सवाल इमाम से भी किया गया कि वो कौन सी वजह हुई कि ये वाक़या लोगों ने भुला दिया। तो इसके दो तीन वजह बताई। एक तो ये कि ईमान का ज़ईफ़ होना, यानी इनका ईमान ज़ईब था, और दूसरी वजह है ये बताई गई कि हुकूमतों ने इस पर काम किया। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा होता है, आप प्रोपेगेंडा के जरिए चाहे तो पूरी जहनीत बदल दें, जिस तरह आज तो मीडिया का दौर है, जिस तरीके से एक शख्स आता है और कहता है कि मैंने आईसिस को इस्टेब्लिश किया, मैंने फ़र्ज़ करें कि मसलन ये बनाया, लेकिन फिर भी मुसलमानों के ऊपर एक तमगा लगा है कि मुसलमान जो है वो टेररिस्ट है। एक तरफ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने इनको बनाया, और दूसरी तरफ आज भी मुसलमानों के ऊपर ये तमगा लगा है। क्यों? क्योंकि मीडिया की कजोर होता है। तो ये मीडिया का एक खेल है और वो सब लोग जानते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अजीजों, दुश्मन वही कोशिश कर रहा है कि आज़ादारी के सिलसिले से कोई फर्क नहीं है, जिस तरीके से गदीर के लिए कोशिश की गई कि इसको भुला दिया जाए, इसी तरीके से आज़ादारी की कोशिश, आज़ादारी पर कोशिश की जा रही है, और हर साल कोई ना कोई इस तरह का काम किया जाता है, कभी अंदर से और कभी बाहर से। आप देखते हैं नए नए मकतब फिक्र, नई नई आइडियोलॉजीज आती हैं, ये चीज़ ऐसी और ये, और इसमें कुछ खुराफात दाखिल करके आज़ादारी की जो अहमियत है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जो वाकया जितना भी मौसर, गदीर को तारीख में चैलेंज है, कोई भी इंसान, कोई भी मुसन्निफ, कोई भी जो है वो राइटर, उसने गदीर के वाकये का इनकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इनकार कर नहीं सकते, मुतवातिर रिवायतें हैं, हदीसें हैं, तो फिर किया क्या उन्होंने? मौला के मतलब बदल दिए,
मौला के मतलब बदल दिए, यानी मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, यानी मौला का मतलब दोस्त है। तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को दोस्त बनाया, तो जाहिर है कि वो दोस्त की ही हैसियत उनको दे दी गई। इसी तरीके से आज आज़ादारी की जो इम्पॉर्टेंस है और जो इसकी इफादियत है, जो इसकी ज़रूरत है, इस ज़रूरत के ऊपर हमला किया जा रहा है। आज़ादारी क्यों? जैसा कि अभी मरसिए में बयान हुआ इससे पहले कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें मिला है, ये एक बेहतरीन जरिया मिला है, और ये इतनी बड़ी नेमत है कि शायद दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है कि जहाँ इंसान आए और अपने वक्त को दे और अपने वक्त को निकाल करके तमाम अपनी जो है वो मसरूफियात को किनार करके उसको रख के और आता है और वक्त देता है मजलिसों में, बच्चों को लाता है, ये बातों को सुनता है। किस लिए? ताकि वो हकीकत वाकया से वाकिफ हो। तो अजीज़ों आप देखें कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात मोहकम थी। कितनी मोहकम थी? रवायत कहती है कि अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास 70 ऐसी सिफतें हैं, ली सबूना खसला, कि कोई भी बशर इस कायनात हस्ती में हमारे मुकाबिल नहीं आ सकता। और आप देखें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जात तन्हा वो जात है कि जो गदीर में जिसको रसूल खुदा ने जिसके हाथ को बुलंद किया और कहा मन कुंतु मौला फहाद अली मौला, कोई तारीख में दूसरा है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तन्हा जात है कि जो काबे में जिसकी विलादत हुई, कोई दूसरा है, कोई नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तन्हा जात है कि जो बतूल और जहरा के शौहर हैं, कोई कुफो था दुनिया में? कोई जनाब जहरा का कुफो था? नहीं था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तन्हा जात है कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अक़्दे उख़ूवत पढ़ी गई और तमाम लोगों को मदीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे का भाई बना दिया, तो आप देखें अमीरुल मोमिनीन सलाम आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? या अली अंता अखी फिर दुनिया वाल आखरा, तुम तो मेरे इस दुनिया में भी भाई हो और आखरत में भी भाई हो। और यही नहीं, इसके बाद आपने हदीस मंजिलत फरमाई या अली, ये गौर तलब बात है, या अली अंता मिन्नी बे मंजिलती हारूना में मूसा इल्ला इन्नहु ला नबी अबादी, ए अली तुम्हारी मंजिलत मेरे नजदीक वही है कि जो मूसा की निस्बत हारून की थी, बस फर्क इतना है कि हमारे बात नबूवत का सिलसिला नहीं है। बस अजीजों आप गौर करें, कुछ हदीसें ऐसी हैं कि जो सिर्फ एक हदीस ऐसी है कि आप अपनी पॉकेट में रखिए और अगर आपसे कोई सवाल करे कि व्हाई यू आर शिया, ये हदीस खोलिए और बता दीजिए इसलिए शिया हूं। किस लिए शिया हूं? आप बताएं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मंजिलत में जनाब हारून की निस्बत क्यों दी? भाई आप कह सकते थे कि ए अली आप तो मूसा जैसे हैं, आप तो फखरे मूसा हैं, आप तो नूह जैसे हैं, आप फखरे नूह हैं, आप तो आदम के जैसे हैं, आदम से बढ़ के हैं, आदम ने तो गंदुम खा लिया, आपने तो पूरी उम्र गंदुम की तरफ निगाह भी नहीं की। आप बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। क्यों अमीरुल मोमिनीन को कहा या अली अंता मिन्नी बिमंजिल हारूना बिन मूसा? अजीजों आप देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आप ज़िलहिज में जो दो रकत नमाज पढ़ते हैं 10 दिन, उसमें क्या है? उसमें पढ़ते हैं कि जब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर पे गए और 30 दिन तक के आपकी मीकात हुई और अल्लाह ने उसमें 10 दिन का और इजाफा किया, ववाअदना मूसा 30 लैला फातममनाह बिअश्र واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخي هارون اخلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين। जब जनाब موسى علیہ السلام کو ہتور پہ گئے تو اپنے بھائی ہارون کو کیا کہا؟ آپ میرے جانشین ہیں، آپ میرے وزیر ہیں۔ مگر ہارون علیہ السلام کو کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وزیر بنایا تھا؟ نہیں۔ جب فرعون کے دربار میں جانا ہوا تو جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اے میرے پروردگار میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان لکنت مندسنس کی نبی میں نقص عیب نہیں ہو سکتا، یعنی وہ صلابت اور وہ فلوئنسی نہیں ہے بات کرنے کی، ہر انسان کی ایک سٹائل ہوتی ہے نہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی
और दुआ की परवरदिगार से, तो अल्लाह ने अपॉइंट किया। बस यहाँ पे गौर तलब बात है कि जिस तरीके से जनाब हारून को अल्लाह ने जनाब मूसा का वली बताया, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में, अभी मदीने में बाहयात हैं आप, अभी जो है हज्जतुल विदा नहीं हुई, इससे पहले का वाकया है कि आप बता रहे हैं कि ए लोगों देख लो ये अली उसी तरीके से अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं और हमारे जानशीन हैं, जिस तरीके से जनाब हारून मूसा के जानशीन थे। तो दूसरी बात जो आप जो यानी आप इससे हदीस से आप नुक्ता निकाल सकते हैं वो ये कि जो अहम बात है, बहुत अहम है, शायद आपने सुना भी हो और अगर नहीं सुना होगा तो आप देखेंगे कि जनाबे इसी ये जो आयत हमने पढ़ी कि वबा अदना मूसा थलासीना लैला, जब जनाबे मूसा अलैहि सलाम को हितूर पे गए तो हुआ क्या, इधर उन्होंने लोगों को कमिटमेंट किया, लोगों यानी लोगों से कहा कि तुम हमारे भाई के जेर नजर हो, यानी इनकी सरपरस्ती में हो। तो मूसा जो नबी खुदा है और अपने वली को अपना जानशीन बना करके उम्मत के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उम्मत ने क्या किया, उम्मत ने हारून को तनहा छोड़ दिया और सामरी के पीछे चले गए। बस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज दे रहे हैं कि ए अली एक दिन आएगा कि ये उम्मत आपको भी गदीर के बाद तनहा छोड़ देगी और सकीफा में सामरी के साथ चली जाएगी। तो ये निशानगुइयां पहले हो चुकी हैं अजीजों, और वही हुआ कि जिस तरीके से हारून को उनकी उम्मत ने छोड़ दिया और सामरी के पीछे चले गए और गौशाले की पूजा करने लगे, उसी तरीके से जो है वो नबी खुदा के नुमाइंदे को छोड़ करके और सकीफा में चले गए और जानशीन खुदा को और जानशीन रसूल को तनहा छोड़ दिया। तो अजीजों जबकि आप तारीख भरी पड़ी हुई है कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जंगे उहद का वाकया आपकी नजरों के सामने, आप मंजिलत देखें, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हैसियत देखें कि इतनी यानी मुतवातिर तारीख और रिवायतों के बाद भी आज भी इंसान शक व शुभे में पड़ा हुआ है कि अमीर अल-मोमिनीन के साथ जाए या सरदारान सकीफा के साथ जाए। आप तसव्वुर करें कि जंगे उहद है, शदीद जंग हो रही है, वो मुसलमान के जो माल गनीमत की लालच में उन्होंने अपनी जगहों को छोड़ दिया और रसूल को तनहा छोड़ दिया, रसूल जख्मी है, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूल का दिफा कर रहे हैं, आपके सामने आपके जितने आपकी तरफ जो है तीर और तबर आ रहे हैं उसको रोक रहे हैं, आप भी जख्मी हैं, और इसी असना में तारीख कहती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यासे थे, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपनी ढाल में पानी लाते हैं और अपने जानों पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर रखते हैं और आपको पानी पिलाते हैं। बस दिल चाहता है कि मैं अर्ज करूं कि ये अमीर अल-मोमिनीन रसूल अकरम को पानी नहीं पिला रहे हैं बल्कि 1,23,999 अंबिया सफों में खड़े हुए हैं, तिश्ना हैं, उनके गले को जो है आबे हयात से जो है आबे हयात से सैराब कर रहे हैं, और बल्कि पूरी बशरियत को, क्यों, क्योंकि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम यक्को तनहा रसूल की दिफा में हैं। अजीजों वो जात की जो इस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना और कदम ब कदम थी, उस जात की निस्बत लोगों ने गुस्ताखियां की और ये चीज हुई तारीख में, और इसका समरा क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ कि उम्मत मुस्लिमा दो धड़ों में बट गई, वरना यही अमीर अल-मोमिनीन है। आप बारहा सुनते हैं कि कहा जाता है अली अलैहिस्सलाम वो थे कि जो पहली मर्तबा पहले यानी मर्दों में पहले थे कि जो इस्लाम कबूल किया। व्हाट डज इट मीन भाई, अगर अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल किया तो क्या उससे पहले क्या थे वो? अजीजों अली अलैहिस्सलाम ने दावत जुल अशीरा में इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि इस्लाम की ताईद की है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है तुम में अय्युकुम
वादरूनी, कौन है तुम में कि जो मेरी नुसरत करे, जो मेरी पुष्टपनाही करे, जो मेरी मदद करे। और आज जो मेरी पुष्टपनाही करेगा, मेरी नुसरत करेगा, मेरी जो है मदद करेगा, वो मेरा भाई होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा। तो अली अलैहि सलाम 40 लोग, रिवायत कहती है कि दावत ज़ुल-अशीरा में तकरीबन 40 लोग थे, मगर अमीर अल-मोमिनीन 13 साल का सिन है, 13 साल का ये नौजवान लब्बैक या रसूल अल्लाह, आप खड़े हुए और कहा मैं आपकी नुसरत करूंगा, मैं आपका जो है आपकी हिमायत करूंगा। तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहि सलाम ने हिमायत की है, इस्लाम की हिमायत की है, तौहीद की हिमायत की है, रिसालत की हिमायत की है, नबूवत की हिमायत की है, 1,24,000 अंबिया की हिमायत की है। इमाम अली सलाम ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, यानी इस्लाम कबूल करने को कोई मौजू नहीं है, कोई महल नहीं है। इस्लाम वहां कबूल किया जा सकता है कि जहां उससे पहले की दूसरी हालत हो, या कुफ्र की हालत होगी या कोई और हालत होगी। तो नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अमीर अल-मोमिनीन अलैहि सलाम की ज़ात तो ऐसी नहीं है कि आप उन लोगों में से हों कि जो ऐसे खानदान में थे कि जहां इस्लाम नहीं था। नहीं, पूरी आप खानदान देख लीजिए, अगर पीछे जाएंगे तो आपके खानदान में या दीन इब्राहिमी भी थे या जो है वो दीन यानी हनीफ पे थे। तो अजीजों, अमीर अल-मोमिनीन अलैहि सलाम ने ऐसा वादा किया, ऐसा वादा किया, ये दर्स है हमारे लिए, ऐसा वादा किया कि तारीख कहती है कि खुद अमीर अल-मोमिनीन कहते हैं कि मैं रसूल के साथ इस तरीके से कदम ब कदम चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के कदमों के पर कदम रख के और उसके पीछे चलता है। और ऐसा वादा किया, ऐसा वादा किया कि आप देखें कि एक लम्हे के लिए आपका साथ नहीं छोड़ा। और इसीलिए जब बिस्तर रसूल पे यानी सोने की बात आई तो वो सिर्फ अमीर अल-मोमिनीन की ज़ात दिखाई देती है। शब हिजरत और लोगों में से एक ऐसा है कि जो अपने नफ्स को मर्जी माबूद की खातिर बेच देता है, और अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा रऊफ है और मेहरबान है। तो अजीजों, ये सिफात इतनी मोहकम थी, इसलिए मोहकम थी वही कि जो अल्लाह अजीज है, कि जिसने इज्जत दी है, उसने इनको अपने खास बंदों को इतना मोहकम बना दिया कि इनकी तरफ जितनी भी नस्बतें गैर नस्बतें अगर दी जाएं तो वो उसके उन तक वापस चली जाती हैं, मगर इन तक की कोई नस्बत नहीं आ सकती। यही वजह है कि तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। जब एक औरत जो मुहिब्बे अमीर अल-मोमिनीन थी, शाम में माविया के दरबार में आती है और अपना हक मांगती है, जाहिर है कि ये सिस्टम था कि अगर कोई नादार है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। तो माविया ने कहा तुम हक तो मेरा लेने आई हो और कलमा पढ़ती हो मसलन अली का, तो क्या वजह है? तो उस औरत ने यही कहा कि अली वो शख्स है कि जिसके मरने के बाद अदालत खत्म हो गई, तुम अली की क्या बात करते हो, अली के जैसा इंसान। और जॉर्ज जुर्दाक ने क्या बयान किया, कुतिला अलीयुन फिल मिहराब शिद्दते अदले, अली अलैहि सलाम वाज मार्टर्ड इन द मेहराब, इस मेहराब बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम जस्टिस, अली अलैहि सलाम एक्सट्रीम जस्टिस की वजह से। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अल्लाहुम्मा अजीजों, इज्जत, इज्जत ये फर्दी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, और इज्तिमाई भी हो सकती है, सोशल। आज जिस तरीके से उम्मत मुस्लिमा जिस जिल्लत का शिकार है, उसकी क्या वजह है? आज मुसलमान इतनी पॉपुलेशन होने के बाद, इतने रिसोर्सेज होने के बाद, इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बाद, आप देखें कि मुसलमान की कोई वो पोजीशन नहीं है जो होनी चाहिए थी। यानी जिनके पास 57 मुल्क हो, जिनके पास इतना बड़ा एम्पायर हो, जितनी दुनिया का अगर आप देखें जो ट्रेजर है तो 40% ट्रेजर मुस्लिम कंट्रीज के पास है, लेकिन वो इज्जत क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इन्होंने वो जो रास्ता था, जैसा कल बयान हुआ कि इज्जत अल्लाह ने तमाम इज्जतें अल्लाह ने अपने लिए मखसूस की हैं, मगर
उसके साथ ही अल्लाह ने अपने खास बंदों को और आम बंदों को भी इज्जत दी है। तो ये इज्जत मिलेगी कैसे? अगर हम बैठे रहें और तस्बीह पढ़ें, या अल्लाह इज्जत दे दे, या अल्लाह इज्जत दे दे, तो मिल जाएगी। जिस तरीके से अगर हम बैठ जाएं अपने घर में और कहें अल्लाह रोज़ी दे दे, रोज़ी दे दे, ठीक है, अल्लाह से मांगना है रोज़ी, लेकिन उसी अल्लाह ने कहा अपने हाथ पैर भी तो चलाओ। जिस तरीके से एक इंसान वो मस्जिद में गया और उसने सोचा कि बड़ा नया नया मुसलमान हुआ था, सोचा कि बहरहाल इबादत करते हैं और कोई काम धंधा दुनियादारी क्या चक्कर है, इबादत करो अल्लाह की और अल्लाह रिस्क जब टाइम आएगा तो रिस्क देगा। कभी कभी ये भी जहन में आता है। ये सब बातिल तसव्वुर है। इस्लाम में काम को इतनी अहमियत दी गई है कि रिवायत में है कि जब इंसान हलाल रोजी के लिए अपने घर से अपने कदमों को बाहर निकालता है तो अल्लाह उसके हर कदम के अवज फरिश्ता मुअय्यन करता है जो उसकी सलामती और उसके लिए दुरूद पढ़ता है। ये हलाल रोजी की अहमियत है। हलाल रोजी कि इतनी अहमियत है कि जो तमाम बहुत सारी इबादतों पे भारी है। तो अजीजों, वो बंदे खुदा उसने सोचा कि चलो इबादत करते हैं और फिर अल्लाह तो रिस्क देगा ही। एक दिन हुआ जोहर की नमाज, फज्र, जोहर, मगरिब, कोई खाना देने आ ही नहीं रहा। दूसरा दिन हुआ, भूख से तड़प रहा है, परेशान। तो उसने क्या देखा, पहले की मस्जिदें सहन खुला होता था, आज तो ऐसा नहीं कि बाउंड्री, एक कुत्ता आ गया। कुत्ता आ गया तो उसने देखा कि एक कोने में एक आदमी खाना खा रहा है। तो कुत्तों की तो आप माशाल्लाह कनाडा में है, हर घर में, हर एक घर छोड़ करके सबके यहाँ है, तो इनकी एक खसलत होती है बहरा कि वो कुछ साइन ऐसा करते हैं, या अपनी दुम हिलाते हैं, या ये कि कुछ आवाज़ निकालते हैं। तो जब उसने आवाज़ निकाली तो वो बंदा उठा और उसने आके एक रोटी का टुकड़ा इस कुत्ते को दे दिया। तो इसको समझ में आया कि देखो, अगर कुछ रोजी हासिल करना है, कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। जानवर है लेकिन वो जानता है कि जब तक कि कोई साइन, कोई अलामत को जाहिर नहीं करेगा, तब तक कि वो उसको खाना नहीं मिलने वाला है। जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा को क्यों हुक्म हुआ कि आप, ये दरख्त है सूखा है, अगर जब सूखे दरख्त से खजूर गिर सकता है तो आसमान से भी गिर सकता था। मगर अल्लाह ये मैसेज देना चाह रहा है कि देखो, ऐसा ना हो कि तुम जो है वो बेकार और काहिल बन जाओ। नहीं, तुम्हें कुछ करना है। उस दरख्त को ए मरियम हिलाओ, और जब उस दरख्त को हिलाया तो एजाज से उसमें से खजूरें गिरी। तो अजीजों, ये है इस्लाम। लेकिन इज्जत, इज्जत का मतलब ये है कि अगर इंसान इज्जत हासिल कर ले, ये इज्जत कैसे मिलेगी, यानी इसको हमें हासिल करना पड़ेगी, इसको हमें तलाश करना पड़ेगा कि कहाँ है, किन चीज़ों में इज्जत है और किन चीज़ों में जिल्लत है। और ये जब हासिल करने के लिए, जाहिर है हमें उन शख्सियतों के पास जाना पड़ेगा कि जिनको अल्लाह ने वो इज्जत दी है। वलिल्लाह इज्जतु वलि रसूल, अल्लाह के लिए इज्जत है और उसके रसूल के लिए। वलिल मोमिनीना, और मोमिनीन कौन है, जाहिर है कि जो अमीरुल मोमिनीन होगा। जब मोमिनीन के पास इज्जत है तो जो अमीरुल मोमिनीन होगा उसके पास कैसी इज्जत होगी। तो अजीजों, अगर हमें इज्जत तलाश करना है तो हमें अहले बैत के दर पे आना पड़ेगा। और अहले बैत के दर पे आप देखें कि जहां पे कोई तारीख में एक बंदा एक झूठी रिवायत नहीं दिखा सकता कि जहां पे इमाम कि किसी फर्द ने, यानी मासूम में से कोई ऐसी चीज तारीख में हो कि जो इज्जत के अगेंस्ट हो, कोई चीज नहीं मिलेगी। दुश्मनों ने बहुत सारी चीजें बहुत सताया, इतना सताया कि अगर आप तसव्वुर करें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि अगर हमारे नाना हमारे जद रसूल अकरम इस उम्मत को ये कह के जाते कि हमारे अहले बैत को इतना सताना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो ये उतना ना सताते कि जितना इन्होंने इस आयत के बाद कि ला असअलुकुम अजरन इल्ला अल-मुअद्दता फिल क़ुरबा, कि जब अल्लाह ने कहा है हबीब इनसे कह दो कि अजर रिसालत कुछ नहीं चाहता मगर ये कि हमारे कराबतदारों से, हमारे अहले बैत से मुअद्दत करना। इस आयत के बावजूद दुश्मनों ने, मुसलमानों ने इतना जुल्म किया अहले बैत के ऊपर, मगर इस जुल्म के बाद भी उनके कैरेक्टर के ऊपर कोई हर्फ नहीं कर सका, कोई जबान दराज नहीं कर सका। और ये शान है अइम्मा की, बहुत कोशिशें की। और वो इमाम हसन अस्करी सलाम का वाकयात मुतअद्दिद हैं कि वो औरत को लेके आए और उसने एलिगेशन लगाया लेकिन जिंदान में कि वो तुम जाओ ताकि इमाम के ऊपर हम कल को ये इल्ज़ाम लगा सकें, नऊज़ बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और जब ये देखा इमाम, जब औरत जिंदान में गई तो उसने क्या देखा इमाम को,
कि जो है सजदे माबूद में आपका सर है, या तो आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं और वो मुसलमान हो गई। और उसके बाद में आकर के जब बादशाह के दरबार में पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा किस शख्स के पास तुमने मुझे भेजा था, जिसके पास अल्लाह की इबादत के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो अजीज़ों, इमाम को कोई ताकत, माविया ने जितनी भी कोशिश की, जो भी एलिगेशंस लगाए, लेकिन वो तमाम चीज़ें पलट के आई। और आज जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो लोग भी इनका दिफा करते हैं, अगर उनमें जुरात है तो वो आए और दुआ करें परवरदिगार की बारगाह में। देखिए, मैंने अर्ज़ किया था मुबाहला, ये चीज़ें, ये हमारे जो तारीखी जो इवेंट्स हैं, ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि बस जो है किताब तारीख में बंद हो गए, ख़त्म, चैप्टर क्लोज, गदीर चैप्टर क्लोज हो गया, वाकया 1400 साल पहले ख़त्म। आज गदीर का क्या काम है हमारी ज़िंदगी में? अगर मैं सवाल करूं किसी एक शिया से कि आप गदीर को, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट गदीर इन योर लाइफ, तो क्या जवाब होगा, मैं कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ? मैं कहूँगा कि अगर गदीर हमारी ज़िंदगी, अगर गदीर 1400 साल पहले एक इवेंट हुआ और ख़त्म हो गया, तो ये सही नहीं है। गदीर वो इवेंट है, वो जरियान है, वो वाकया है जो आज भी जारी और सारी है। मुबाहला वो वाकया है जो आज जारी और सारी है। ये जुमलात नहीं है, ये सही है। कैसे सही है? आपके पास, आपको दलील दूंगा। नहनु अबनाउ दलील, हम बगैर दलील के कोई बात नहीं कर सकते। एक जवान 15 साल का लड़का, जवान बालिग हुआ है। ईरान में एक रस्म है, बहुत सी जगहों पर जब बच्चे जवान होते हैं तो उसका एक जश्न मनाया जाता है, जैसे कहते हैं जश्न तकलीफ। लड़कियां 9 साल की होती हैं तो घर वाले, जैसे कह लें आप, जश्न यानी पार्टी करते हैं, यानी उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसको कहते हैं कि आज ये जो जवान, हमारे जवान तवज्जो करें, जब आप 15 साल के हो गए, जवान हो गए, व्हाट डज इट मीन भाई, कि आप प्यूबर्टी एज में आ गए, आप जवान हो गए, यानी अब आप अल्लाह से डायरेक्ट मुखातब हो रहे हैं। अभी तक आपकी हैसियत दूसरी थी, अब आप अल्लाह के वो बंदे हैं कि जो डायरेक्ट आप अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं। ये इज्जत की बात है, इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बर्थडे वर्डे ये सब तमाम दुनिया भर की चीज़ें खुराफात करते हैं, हम नहीं कहते हैं बुरी चीज़ है, लेकिन ये कि इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि इंसान, बाज़ लोग तो इतने शिद्दत पसंद होते हैं बर्थडे वगैरह के चक्कर में, मुहर्रम में भी अगर तारीख आ गई है तो कोई ना कोई एंगल से उसको मना ही ले जाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मना लो, ठीक है, खाली फ्रेंड्स को, खाली घर वालों, भाई इतनी कौन सी ज़रूरत है बर्थडे मनाने की? मनाना है तो ये मनाइए कि बच्चे को मालूम हो कि आज हम 15 साल के हो गए हैं, अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, ड्यूटीज आ गई। तो अजीज़ों, में अर्ज़ कर रहा था कि गदीर कैसे, वो गदीर वो इवेंट है जो जारी है। कैसे जारी है? ये जो बच्चा आपका 15 साल का हो गया, अगर गदीरी नहीं है, इससे कहिए नमाज पढ़ के, अगर ये हाथों को खोल के नमाज पढ़ता है तो ये गदीरी है, अगर ये हाथों को बांध के नमाज पढ़ रहा है तो ये सकीफाई है, अगर ये बच्चा रोज़ा रख रहा है और सनसेट के जस्ट आफ्टर रोज़ा इफ्तार कर लेता है तो सकीफाई है, और अगर वेट करता है कि डार्कनेस हो जाए तो वो गदीरी है। इसका मतलब गदीर आज है, आप बगैर गदीर के सांस नहीं ले सकते। आप अगर गदीर को अपने लाइफ से हटा दें तो हमारा आपका कोई वजूद नहीं है, हमारा आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी तरीके से मुबाहला भी, मुबाहला जैसा कि अर्ज किया कि मुबाहला हक की बातिल पर जीत है, और आज भी मुबाहला है। अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं किसी को तो आप मुबाहला कीजिए, आओ, अगर तुम दावे में सच्चे हो, अगर तुम कहते हो कि ये सही है और मौलाए कायनात गलत हैं, तो आओ मुबाहला करते हैं। आपको यकीन है, आपको मालूम होगा पाकिस्तान में कादियानियों से मुबाहला की दावत दी गई थी, लेकिन वो लोग आए नहीं। उलमा ने, हमारे उलमा ने इनको बाकायदा दावत दी थी कि अगर तुम सच्चे हो अपने अमल में, अपने जो है फेथ में, तो आओ मुबाहला कर लेते हैं। तो मुबाहला कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि वो जो है नजरान के अगेंस्ट हुआ और ख़त्म हो गया। मुबाहला हर दौर में है। अल्लामा तबतमाई ने कहा हर दौर में मुबाहला है। हमने मिसाल दी थी जो है बुरायर हमदानी की, कि वो जो है वो अपने मुकाबिल में जो आया था उससे करबला में जंग के दौरान मुबाहला किया, करबला में जंग के उस 2 मिनट के दरमियान, तो कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि इमाम हुसैन सलाम हक पे हैं तो आओ मुबाहला कर लेते हैं, और मुबाहला किया और वो उसको वासिल जहन्नम किया। तो अजीज़ों, इज्जत हमें कहाँ से लेनी है? वहाँ से लेनी है कि जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है। बस इसी इज्जत को देने के लिए, इसी इज्जत,
امام حسین علیہ السلام نے اسی عزت اتنی عزت دی کہ حر جیسا انسان آپ دیکھیں حر کہ جسے اب چند لمحہ پہلے حر کو بڑا غرور تھا کہ میرے پیچھے ہزار انسانوں کا لشکر ہے اور میں جس کو چاہوں ادھر سے ادھر کر دوں، مگر جب حر کو احساس ہو گیا نہیں وہ تو جھوٹی عزت تھی، حقیقی عزت تو حسین علیہ السلام کے پاس ہے، تو کیا ہوا امام حسین اب حر پریشان ہے۔ ہاں عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے مکے سے اور کوفہ کے درمیان بہت سارے واقعات رونما ہوئے، امام علیہ السلام مدینہ سے اور مکہ کے درمیان کی دوری پھر بھی کم ہے اور راستہ کم تھا، لیکن مکہ سے اور کوفہ کے درمیان بہت سارے واقعات ہیں، ان میں ایک جو سب سے بڑا واقعہ آپ دیکھیں کہ امام کی حدیث ہے کہ میں تم کو اتنا چاہتا ہوں اتنا چاہتا ہوں، اپنے مومنین سے آپ سے مخاطب ہو کے امام کہتے ہیں کہ اگر ہم تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ دیں تو یہ دشمن تم کو نابود اور فنا کر دیں گے۔ تو عزیزوں اس کا نمونہ کیا ہوا، جب امام آ رہے ہیں کوفے سے، ابھی مکے سے کوفے کے نزدیک پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں جتنے مشکیزیں ہیں جتنی چیزیں ہیں ان سب میں پانی بھر لو، کوئی ظرف کوئی برتن کوئی پوٹ ایسا نہ ہو کہ جس میں پانی نہ ہو۔ ہاں عزیزوں یہ امام کی بصارت ہے کہ امام جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور جب آپ نزدیک ہوئے کوفے کے تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ کوفہ آ گیا ہے، تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ ابھی اتنی جلدی کوفہ کیسے آ گیا، لیکن جب جیسے اور تھوڑی نزدیکی ہوئی تو ان کو سیاہی دکھائی دی، اور جب اور نزدیک ہوئے تو گھوڑے دکھائی دیے اور ان کے نیزے دکھائی دیے، اور اب ایک وقت آیا کہ اب حسین علیہ السلام کا کاروان آپ کا قافلہ حر کے قافلے کے نزدیک آ گیا، اور ایک مرتبہ حر امام نے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے کیا چاہتے ہو، کہا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے روک دیں، امام نے کہا تمہیں نے تو ہم کو بلایا تھا، حر نے کہا ہم نے نہیں بلایا تھا، امام نے ایک بوری خط دکھایا کہ دیکھو یہ، تو حر نے کہا نہیں ہم اس خط لکھنے والوں میں نہیں ہے، ہم کو صرف یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو آگے نہ جانے دیں، لیکن امام علیہ السلام نے اپنے رہسوار کو اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، اسی اثنا میں حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، امام نے کہا ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، حر نے پلٹ کے جواب دیا کہ اے ابن رسول اللہ اگر کائنات کا کوئی بھی انسان یہ جملہ بیان کرتا، عرب کا کوئی بھی شخص، تو میں اس کو اس کی ماں کے لیے جواب دیتا، مگر کیا کروں آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ ہیں۔ ہاں عزیزوں یہ ایمان کا ایک چنگاری تھی حر کے اندر کی جو دبی ہوئی تھی، اب بس یہی وجہ ہے کہ جب امام کو جو ہے وہ گھیر کر کے حر لے کے آیا کہ آپ نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے، اب امام جب کربلا میں آئے تو آج 2 محرم کی تاریخ ہے آپ جانتے ہیں، امام نے پوچھا نہیں بلکہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جواب ہوتا ہے، امام معصوم تھے بخوبی جانتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو کربلا میں اپنے آپ کو گھوڑے سے اتارا اور کہا ہا ہنا یہ وہی جگہ ہے جہاں میری اولاد کو خون اور جو ہے خون میں غلطا کیا جائے گا، تو امیر مومنین علیہ السلام جب جانتے تھے تو کیسے ممکن ہے کہ امام حسین نہ جانتے ہوں، مگر لوگوں کو بتانے کے لیے اور ایک میسج دینے کے لیے پوچھا یہ زمین کون کہا کیا ہے اس کا کیا نام ہے، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کہا اور کوئی نام، کسی نے کہا غادریا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں، اور جب کسی نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں، بس کہا اے بس یہی وہ جگہ ہے جب ہاں ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے۔ ہاں عزیزوں خیمے نصب ہو گئے، 2 تاریخ اور روایت میں ملتا ہے کہ ابھی خیمے نصب ہوئے تھے، ایک مرتبہ ایک گرد ایک خاک اڑی اور جناب زینب کے سر سے آپ کی ردا ذرا سی ہٹی، آئی بھیا یہ کون سی جگہ ہے میرا دل بیٹھ رہا ہے، امام نے کہا اے میری بہن یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا امتحان ہوگا، ہمارے کڑیل جوان اسی زمین پہ قتل ہوں گے۔ ہاں عزیزوں
वो वक्त आया कि अब हुर परेशान है, अब हुर क्या देख रहा है कि ख्याम हुसैनी में इबादतों की आवाज़ आ रही है, कोई रुकू में है तो कोई सजदे में है। रिवायत कह रही है कि हर खैमे से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे शहद की मक्खियों की भनभनाहट हो। और इधर हुर अपने लश्कर में देख रहा है तो कोई शराब नोशी में मसरूफ़ है, तो कोई कुमारबाजी में मसरूफ़ है। हुर ने कहा, देख रहे हो एक तरफ की ये दुनिया और एक तरफ वो, और एक मर्तबा हुर परेशान है। गुलाम ने पूछा, आका क्या माजरा है? कहा, आवाज़ें सुन रहे हो हुसैन के खेमे से, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ। तो कहा, क्या मकसद है? कहा, ठहरो, इंतज़ार करो, सुबह का इंतज़ार करो। रिवायत में मिलता है कि अभी फज्र, दो रिवायतें हैं कि फज्र से पहले या फज्र की नमाज के बाद हुर आता है। हुर आए, इमाम की खिदमत में चले, भाई ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा, हुसैन के पास जा रहा हूँ। बेटे ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा, हम भी चलेंगे। अब बस खुलासा ये कि भाई को लिया, एक छोटा सा कारवान बनाया, बेटे और गुलाम के साथ आका खिदमत में आते हैं, इमाम के पैरों में अपने सर को रख देते हैं। इमाम जानते थे। कहा, ए आका, क्या मेरी खता माफ़ हो सकती है? कहा, क्या बात करते हो, हुर तुम इस दुनिया में भी आज़ाद हो, उस दुनिया में भी आज़ाद हो, मगर हुर को पशीमानी है, निदामत है। कहा, आगा एक चीज़ की दरख्वास्त करता हूँ, मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं खैमों में बीबियों के पास जाके माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आए खैमों के सामने दो जानू बैठ गए। ए खानदान इस्मत व तहारत की मुकद्दरात, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आज मेरी वजह से आपके बच्चे प्यासे हैं। और ये वज़ीयत है। हाँ अजीज़ों आप देखें कि किस तरीके से हुर को माफ़ी मिली। हुर ने कहा, दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सैयदा से मेरी शिकायत न कीजिएगा। यही वजह है कि करबला में 72 शहीद हुए, सबके सर पे जख्म लगा, मगर इमाम हुसैन ने तन्हा हुर के सर पे वो रुमाल बांधा है कि हुर को ये एहसास ना हो। और वो रुमाल कौन था? आपकी मादर गिरामी जनाब सैयदा के हाथ का बुना हुआ रुमाल था। हाँ अजीज़ों, हुर आते हैं और आप देखें कि हुर ने जैसे ही कहा, आका आप आज जो ये खैमे में आलातश की सदाएं आ रही हैं ये मेरी वजह से हैं, मैं चाहता हूं कि दुश्मन के मुकाबले में जाऊं। रिवायत कहती है, मक्तल में है कि इमाम ने एक लम्हे के लिए हुर को नहीं रोका। जानते हैं क्यों अजीज़ों? क्योंकि इमाम वो गयूर इमाम नहीं चाहते थे कि हुर एक लम्हे के लिए हमारा मेहमान है मगर पशीमानी और निदामत में ज़िंदगी गुजारे। इसलिए आपने फौरन हुर को इजाज़त दी। आए, भूखे नहीं थे, प्यासे नहीं थे, खूब जंग की, खूब लड़े और वासिले जहन्नम किया, मगर कितना लड़ते, एक मर्तबा जख्मी हुए और कहा, या आका मेरा सलाम कबूल कीजिए। बस इतना सुनना था, इमाम दौड़े और जाके हुर का सर अपने जानू पे रखा। एक मर्तबा हुर ने आंखें खोली, क्या देख रहे हैं? गुलाम का सर आका के जानू पे है। कहा, आका ये शरफ। एक मर्तबा खून पेशानी से रुक नहीं रहा था और पेशानी पे वो रुमाल बांधा। और एक मर्तबा फिर आपने कहा, ए हुर कितना अच्छा नाम तुम्हारी माँ ने रखा था। इमाम चाहते थे के हुर दिल में अपनी वो बात लेके न जाएं। कहा, ए हुर तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ ने कितना अच्छा रखा कि तुम इस दुनिया में भी आज़ाद हो और तुम आखिरत में आज़ाद हो। मैं कहूँगा, ए हुर तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें शहादत नसीब हुई, आका के जानू पे शहादत नसीब हुई, मगर अभी चंद लम्हे बाद यही वो हुसैन है कि फर्श पे झूम रहा होगा। और जब कत्ल गौदिए कत्लगा हमें ये हुसैन जब जमीन पे आएंगे तो कहां किसके जानू पे सर रखेंगे। मगर दिल तो यही कहता है कि शायद दुखियारी माँ इंतजार कर रही हो, आ मेरे लाल तुझे बड़ी जहमतों से चक्की पीस के पाला है, आ मेरी आगोश में आ जा। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयालमुल लदीना ज़लमु अय्यमुन क़ल्बियन क़ल्बु मातम हुसैन। या हुसैन।
حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یہ پکڑ لیتا ہوں، یا حسین، یا حسین، یا حسین، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتا چلے تڑپ رہا ہے حسین، جو میرا فرض تھا اماں ادا کیا میں نے، زمین میں لاش اصغر چھپا دیا میں نے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا میں نے، میں ابھی پیاسا ہوں پانی نہیں پیا میں نے، بہت سکون طرف چلا ہے حسین، پتا چلے رہا ہے حسین، غموں سے بھائی کی ٹوٹی ہوئی ہے میری کمر، جگر سے اکبر مہرو کے کٹ رہا ہے جگر، خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں لاشوں پر، نہ روئے آپ بہت مطمئن ہوں میں مادر، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین، میری ہی گود میں بچا ہوا میرا بے جان، جگر سے اپنے جوان کی نکالی میں نے سنا، گلے پہ کند یہ خنجر یہ جو رہا ہے رواں، بس آخری یہ میرا امتحان ہے اماں، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا حسین، پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین، زمین آ نہ سکی راس کوئی بات نہیں، نہیں مدد کو کوئی پاس کوئی بات نہیں، ہوئی نہ ختم میری پیاس کوئی بات نہیں، خدا کو دے دیا بس کوئی بات نہیں، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، تڑپ رہا ہے حسین، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین، نکل کے قبر سے نانا میری طرف ہے رواں، وہ دیکھو اماں کے بابا بھی
आ गए हैं यहाँ है मुंतजर मेरा इस दम खुदाए कौनो मकान सभी कहते हैं शबीर है मेरा मेहमान बहुत सुकून से खुदा की चला है हुसैन पता चले ना ये माँ को तड़प रहा है हुसैन बहुत सुकून से खुदा की तरफ चला है हुसैन पता चले ना ये माँ को तड़प रहा है हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला सब जवाब दीजिए जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है हर फूल ने सर देकर हर फूल ने सर देकर इस्लाम को पाला है जहरा तेरे गुल हर फूल निराला है जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है अफसोस मुसलमान आशूर को मक्तल में अफसोस मुसलमान आशूर को मक्तल में कुरान के पारों को कुरान के पारों को नज़े गुलशन का हर फूल निराला है जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है हर फूल ने सर देकर हर फूल ने सर देकर इस्लाम को पाला है जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है ए मौत कभी तूने ज़ैनब से नहीं पूछा ए मौत कभी तूने ज़ैनब से नहीं पूछा अठारह बरस कैसे इस शोक पाला है जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है हर फूल ने सर देकर हर फूल ने सर देकर इस्लाम को पाला है जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला
इमरान के चमन की पाकीज़ा तू कली है, इमरान के चमन की पाकीज़ा तू कली है, ज़ैनब का हर फूल निराला है, जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है, जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है, हर फूल ने सर देकर हर फूल ने सर देकर इस्लाम को पाला है, जारा तेरे हर फूल निराला है, सहारा तेरे बेपर्दा बीबियां हैं, सजाद मर न जाए, बेपर्दा बीबियां हैं, सजाद मर न जाए, ये सो गुलशन का हर फूल निराला है, जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है, हर फूल ने सर देकर हर फूल ने सर देकर इस्लाम को पाला है, सहारा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है, जहरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है, जिगरे हसन के टुकड़े बिखरे पड़े थे रन में, जिगरे हसन के टुकड़े बिखरे पड़े थे रन में, जिस सानी ये जहरा ने आगो तेरे गुलशन माशाल्लाह, सहारा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है, सहारा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है, हर फूल ने सर देकर इस्लाम को पाला है, जहरा तेरे अलविदा की इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, पीर की वो लाडली शबीर की
वो लाडली सीने पे जो शाके पली सीने पे जो शाके पली जिसकी अबावन में जली जिसकी अबावन में जली मुंह पे तमा चौके निशान मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन 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 पीर की वो लाडली शबीर की वो लाडली सीने पे जो शाके पली सीने पे जो शाके पली जिसकी अबावन में जले जिसकी अबावन में जले मुंह पर तमा चौके निशान मौला हक इमाम या